मुस्लिम की जितनी हिस्सेदारी, जिसकी जो कम्युनिटी की जितनी हिस्सेदारी उससे उसकी उतनी भागीदारी सीधा सीधा देना पड़ता कास्ट सेंसस करने के बाद। तो मैं समझता हूँ कास्ट सेंसस करना बहुत ज़रूरी है। और अब ये सेशन 4 दिसंबर से शुरू हो रहा है कर्नाटक सेशन, उस सेशन में मैं पूरे तमाम मुस्लिम लीडर्स को बोलता हूँ कि दूसरे कम्युनिटी क्या कर रही है अपने को उससे कोई मतलब नहीं, अपने कम्युनिटी के लिए आप आवाज़ उठाइए कि कास्ट सेंसस को पब्लिश करिए, क्योंकि हमारे कम्युनिटी का क्या हाल में है और हम क्या पोजीशन पे है इसमें पूरा क्लियर मिलता। जैसा कि कैपिटल इनकम क्या है हमारी, एजुकेशन में हमारा कितना भागीदारी है, ये एजुकेशन में हम कितना है मैंने मुस्लिम, और ग्रेजुएट कितने हैं, पोस्ट ग्रेजुएट कितने हैं, और गवर्नमेंट जॉब में कितने हैं, और हमारे पॉलिटिकल में हमारा कितना इन्वॉल्वमेंट है, कितनी भागीदारी है हमारी पॉलिटिकल, ये सब दूध का दूध पानी का पानी की तरह। जमीर अहमद खान साहब जो बोले वो बीजेपी वाले नमस्कार करते हैं बोल के जो बोले, वो एक पोस्ट है, एक चेयर है, चेयर को सलाम करते हैं, और चेयर का कोई रंग नहीं होता है, ना मुस्लिम होता है ना हिंदू होता है, एक पोजीशन है, वो पोजीशन को सलाम नमस्ते करते हैं सब लोग। मैंने समझता जमीर खान साहब जो बोले थोड़ा बोलने में कुछ हो गया उनसे मिस्टेक, लेकिन वो चेयर को नमस्कार करते सब जने। जो थर्ड पार्टी कर्नाटक में जो स्टेट पार्टी थी JDS, एक सेकुलर पार्टी है, वो उसके आगे यस लगे हुआ है, तो वो हिसाब से CM इब्राहिम साहब का कहना है बिल्कुल सही है। पॉलिटिक्स में तो हर कोई अपना अपना पावर दिखाता है, जैसे कि ऑपरेशन लोटस चला, अब ये हस्तबिल चला रहे बोल के सुनने में आ रहा है 28 नवंबर से कुछ। CM इब्राहिम साहब जो जहाँ पर उन्होंने थे JDS में, अभी भी वहीं पर हूँ बोल के उनका क्लेम है, और आने वाले दिनों में देखेंगे क्या होता है। मैं पहली बात तो आवाम के साथ हूँ, सेकंड है पार्टी जो NDA से अलायंस होने के बाद, मैं वो अलायंस NDA के साथ पार्टी रही थी, मैं उसमें नहीं हूँ। कर्नाटक की सियासत में इन दिनों काफ़ी सियासी उथल पुथल देखी जा रही है, एक तरफ कांग्रेस ऑपरेशन हस्त कर रही है, वहीं दूसरी जानब कास्ट सेंसस का भी मसला बड़ा पेचीदा होता जा रहा है। वहीं अगर से 4 दिसंबर से कर्नाटक असेंबली का सेशन बेलगाम में शुरू होने वाला है, उससे पहले जमीर अहमद खान की कंट्रोवर्सी ने काफ़ी सियासी पारे को बढ़ा दिया है। फिर इसके अलावा JDS में भी अंदरूनी तौर पर काफ़ी खिचड़ी पक रही है। CM इब्राहिम साहब को गुज्तमा पार्टी प्रेसिडेंटशिप से निकाला गया था, फिर गुज्ता हफ्ते उन्हें पार्टी की प्राइमरी मेंबरशिप से भी निकाला गया। इस तरह से पूरे सियासी उमूर पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है नौजवान लीडर यूनुस खान साहब KTS। सर, किस तरह से देख रहे हैं, अगर से हम बात JDS से शुरू करें तो किस तरह से देख रहे हैं JDS में काफ़ी हलचल, जिस तरह से NDA में शामिल होने के ऐलान के बाद CM इब्राहिम साहब ने काफ़ी मुखालिफत की थी, गुज्तमा लास्ट मंथ उन्हें पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंटशिप से निकाला गया था, अब उन्हें पार्टी की प्राइमरी मेंबरशिप से भी निकाला गया है, किस तरह से देख रहे हैं आप? CM इब्राहिम साहब को जो निकाला है वो गैर कानूनी तौर पे निकाला गया। CM इब्राहिम साहब को कोई नोटिस इशू नहीं किया पहली बात, और ना उनको कोई एक लेटर दिए, डिस्कशन का मौका दिए। CM इब्राहिम साहब का कहना यही था NDA के साथ आप मत अलायंस हो। जो थर्ड पार्टी कर्नाटक में जो स्टेट पार्टी थी JDS, एक सेकुलर पार्टी है, वो उसके आगे यस लगे हुआ है, तो वो हिसाब से CM इब्राहिम साहब का कहना बिल्कुल सही है कि JDS सेकुलर पार्टी है, NDA के साथ नहीं जाना चाहिए। और CM इब्राहिम साहब को जो निकाला गया इसमें से कई लोग नाराज़ है, जब नाराज़गी बताने का टाइम आएगा, बिल्कुल नाराज़गी जिस तरीके से बताना है वो बताने के लिए कई मीटिंगा भी चल रहे हैं। अब कर्नाटक में भी 10 तारीख को भी मीटिंग है दिसंबर, जो भी फैसला CM इब्राहिम साहब करेगा उसके साथ तमाम लोग हम उनके साथ ही खड़े हैं आज भी।
अगर से हम देखा जाए तो कर्नाटक में ऑपरेशन हस्त करने की बात करें, जिस तरह से एक जेडीएस के नाराज लीडरों को भी कांग्रेस अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही है, जैसा जी टी देवगढ़ा है उनको अपनी जानब खींचने की कोशिश कर रही है, वी सोमन्ना बीजेपी के बड़ा चेहरा है उनको अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही है, इस तरह से सेम इब्राहिम साहब भी कांग्रेस से काफ़ी अरसे तक मुंसलिक रहे, एक गुज़श्ता 1 साल ही हुआ है वो जेडीएस में आकर, इस तरह से भी बातें आ रही है कि उनको कांग्रेस अपनी जानब खींच सकती है, इस तरह की बातें वगैरह भी आ रही हैं। नहीं, फिलहाल तो दूसरे लीडर के बारे में तो मैं नहीं बोल सकता। पॉलिटिक्स में तो हर कोई अपना अपना पावर दिखाता है, जैसे कि ऑपरेशन लोटस चला, अब ये हस्त भी चला रहे बोल के सुनने में आ रहा 28 नवंबर से कुछ। तो पॉलिटिक्स में ये सब चीज़ होते रहती है, उनके बारे में तो मैं नहीं बोल सकता। सीएम इब्राहिम साहब जो जहाँ पर उन्होंने थे जेडीएस में, अभी भी वहीं पर हूँ बोल के उनका क्लेम है, और आने वाले दिनों में देखेंगे क्या होता है। सर, अगर से आपसे बात की जाए तो जिस तरह से आप जेडीएस में शामिल हुए, फिर आपको जेडीएस के माइनॉरिटी सेल का स्टेट जनरल सेक्रेटरी बनाया गया, फिर सीएम इब्राहिम साहब को पार्टी से निकाला गया है, कास्ट सेंसस को तो हम वेलकम करते हैं। नेक्स्ट आपका नेक्स्ट पॉलिटिकल स्टेप क्या होगा? मैं पहली बात तो आवाम के साथ हूँ, सेकंड है पार्टी। पार्टी जो एनडीए से अलायंस होने के बाद, मैं वो अलायंस एनडीए के साथ पार्टी रही तो मैं उसमें नहीं हूँ। और जहाँ तक सीएम इब्राहिम साहब को हम अपना लीडर मानते हैं, सीएम इब्राहिम साहब के साथ हूँ मैं फिलहाल। सीएम इब्राहिम साहब जो फैसला करेंगे आप उसके साथ रहेंगे, अगर सीएम इब्राहिम साहब फलां पार्टी को ज्वाइन करेंगे तो आप भी फलां पार्टी ज्वाइन करेंगे। बिल्कुल, सीएम इब्राहिम साहब जो भी फैसला लेंगे हम उनके साथ बिल्कुल है। तो सर, कर्नाटक की सियासत में इन दिनों जो सबसे बड़ा इश्यू बना हुआ है कास्ट सेंसस का बना हुआ है, 2015-16 में कांताराज कमीशन निकाल से अंजाम दिया था, जो 24 नवंबर को उसको रिपोर्ट को पेश करना चाहिए था, मगर जो रियासत की जो बड़ी पॉलिटिकल डोमिनेट कम्युनिटीज़ है वक्कलिगा और लिंगायत, इसकी मुखालिफत कर रहे हैं, तो आप किस तरह से देख रहे हैं एज ए माइनॉरिटी लीडर, एज ए मुस्लिम लीडर, आप कास्ट सेंसस को किस तरह से देख रहे हैं? 2015 में सिद्धरमैया साहब चीफ मिनिस्टर थे कर्नाटक के, उस टाइम पे एच कांताराज कमीशन का शुरुआत हो गई थी। जैसे कि हर घर को विजिट हो रहा था, आपका लिविंग स्टाइल कैसा है, आपके घर में कार है, आपके घर में फ्रिज है, आपके घर में एसी है, तो ये सेंसस शुरू हो गया था। तो कास्ट सेंसस को तो हम वेलकम करते हैं, क्योंकि हमारे कम्युनिटी का क्या हाल में है और हम क्या पोजीशन पे है, इसमें पूरा क्लियर मिलता। जैसा कि कैपिटल इनकम क्या है हमारी, एजुकेशन में हमारा कितना भागीदारी है, ये एजुकेशन में हम कितना है मुस्लिम, और ग्रेजुएट कितने हैं, पोस्ट ग्रेजुएट कितने हैं, और गवर्नमेंट जॉब में कितने हैं हम, और हमारे पॉलिटिकल में हमारा कितना इन्वॉल्वमेंट है, कितनी भागीदारी है हमारी पॉलिटिकल में, ये सब दूध का दूध पानी का पानी निकलता। तो हम कास्ट सेंसस को वेलकम करते हैं, ये हमारी कम्युनिटी किस परसेंटेज पे है ये भी पता चलता। जैसे कि 2011 के सेंसस में बताते हैं 14%, आज 2023 है, तकरीबन 12 साल होने हैं, 12 साल बोले तो तकरीबन हम 18 से 20% हो गए। मैं समझता हूँ जैसे 20% बोले तो कर्नाटक में हाईएस्ट परसेंटेज हमारा है मुस्लिम का। तो हमारे को क्या क्या बेनिफिट देना है ये सब सामने खुल के सामने आता है, हमारे हक हमारे को मिलना चाहिए बोल के हम बात कर सकते हैं जब खुल के। अगर देखा जाए सर, जिस तरह से अगर हम ओवरऑल देखें तो एक जानिब लिंगायत कम्युनिटी के जो एक अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है वीर शवा महासभा अपोज कर रहे हैं, वक्कलिगास के जो जो तंजीमें हैं वक्कलिगा संघा वो उसकी अपोज कर रहे हैं, लेकिन मुस्लिम लीडर्स की तरफ से, कांग्रेस के मुस्लिम लीडर्स की तरफ से इस मामले पर कोई आवाज़ नहीं आ रही है। AICC प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे जी है, वो भी कास्ट सेंसस के ऊपर बात कर रहे हैं, और राहुल गांधी जी नेशनल लेवल पे उन्होंने भी बात कर रहे हैं, और बीजेपी गवर्नमेंट से डिमांड कर रहे हैं कि कास्ट सेंसस का पब्लिश करना ज़रूरी है बोल के। और पता नहीं क्या बात है कि कर्नाटक में कोई भी मुस्लिम लीडर इस पे इशू पे बात नहीं कर रहा,
तो हम ये सोचते हैं कि मुस्लिम की जितनी हिस्सेदारी, जितनी जो कम्युनिटी की जितनी हिस्सेदारी उससे उसकी उतनी भागीदारी सीधा सीधा देना पड़ता कास्ट सेंसस करने के बाद। तो मैं समझता हूँ कास्ट सेंसस करना बहुत ज़रूरी है। और अब ये सेशन 4 दिसंबर से शुरू हो रहा है कर्नाटक सेशन, उस सेशन में मैं पूरे तमाम मुस्लिम लीडर्स को बोलता हूँ कि दूसरे कम्युनिटी क्या कर रही है, अपने को उससे कोई मतलब नहीं। अपने कम्युनिटी के लिए आप आवाज़ उठाइए कि कास्ट सेंसस को पब्लिश करिए, तो अपने को बहुत आने वाले दिनों में बेनिफिट होता है, आने वाली आवाम को एजुकेशन में, जॉब्स में, ये तकरीबन हर चीज़ है इसमें। जैसे कि पहले जो इंडिया लेवल पे सेंसस किए थे 76 कमेटी के, मुस्लिम बहुत बैकवर्ड पे है अभी भी। तो कास्ट सेंसस करना बहुत ज़रूरी है। सर, जिस तरह से कर्नाटक असेंबली का सेशन 4 दिसंबर से शुरू होने वाला है, उसमें एक जमीर अहमद खान का जिस तरह से उन्होंने तेलंगाना में एक बयान दिया था कि यूटी खादर को आज बीजेपी के लीडरान सलाम करते हैं, किस तरह से माहौल को किस तरह से नज़र आ रहा है कि पोलराइज करने की कोशिश बीजेपी इस बयान को लेकर पोलराइज कर रही है, जमीर अहमद खान को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, आप किस तरह देख रहे हैं? जमीर अहमद खान ने जिस तरह से बयान दिया है, यूटी खादर को बीजेपी वाले नमस्कार करते हैं, आप किस तरह देख रहे हैं? जमीर अहमद खान साहब ये तेलंगाना में कैनवेसिंग के दौरान ये बात किए थे, मैं भी देखा क्लिप। ये जमीर अहमद खान साहब जो बोले वो बीजेपी वाले सलाम नहीं करते हैं बोल के, जो उन्होंने बोले नमस्कार ना करते हैं जी नमस्कार बिल्कुल। करते हैं बोल के जो बोले, वो एक पोस्ट है, एक चेयर है, चेयर को सलाम करते हैं। और चेयर का कोई रंग नहीं होता है, ना मुस्लिम होता है ना हिंदू होता है, एक पोजिशन है, वो पोजीशन को सलाम नमस्ते करते हैं सब लोग। मैं नहीं समझता जमीर खान साहब जो बोले, थोड़ा बोलने में कुछ हो गया उनसे मिस्टेक, लेकिन वो चेयर को नमस्कार करते हैं सब जने, चेयर की वैल्यू है। सर, जिस तरह से अब देखा जा रहा है कि जेडीएस एनडीए में जा रही है, मगर लाख अपोजिशन के बावजूद, सीएम इब्राहिम साहब के लाख मुखालिफत के बावजूद भी जो है कुमार स्वामी अपना फैसला लेने वापस नहीं ले रहे हैं, तो सेकुलर लीडर्स वगैरह नेक्स्ट उनका स्टेप क्या होना चाहिए, या किस तरह से नेक्स्ट क्या हिकमत अमली बनानी चाहिए, आपकी नज़र में क्या करना चाहिए? अभी जो जेडीएस के 19 MLA जीते हुए हैं, ये MLA सेकुलर जेडीएस है बोल के जीते हुए, तो ये लीडर भी सोच रहे हैं अभी कि हम जीते हैं सेकुलर के ऊपर, तो एनडीए के साथ अलायंस होने के बाद हमारे को नेक्स्ट टाइम भी पब्लिक के बीच में जाना है, तो वो भी सोचेंगे, उनकी भी बात कर रहे हैं, सीएम इब्राहिम साहब से बात चल रही है बोल के सीएम इब्राहिम साहब भी बता रहे हैं, देखेंगे आने वाले दिनों में क्या क्या होता है। सर, आप कभी अगर से अभी यूनुस खान की ईटीएस के पॉलिटिकल फ्यूचर की बात करें, तो जिस तरह से आपने दो टुक में कहा जी जिधर सीएम इब्राहिम साहब रहेंगे उधर आप रहेंगे, बिल्कुल, हम जिधर सीएम इब्राहिम साहब रहेंगे कोई डाउट वाली बात नहीं, हम उधर रहेंगे। शुक्रिया सर। ये थे जनाब यूनुस खान की ईटीएस साहब, जिनका एक जो भी वो कास्ट सेंसस की पुरजोर हिमायत करें, पुरजोर वकालत करें, इनका भी कहना है कि कम्युनिटी की कंप्लीट एग्जैक्ट पिक्चर जानने के लिए सोशो इकोनॉमिक सर्वे जिस तरह से किया गया है कि कम्युनिटी का पर कैपिटा इनकम क्या है, कम्युनिटी के पास किसान कितने हैं, कितनी ज़मीन है, कितना एजुकेशन सेक्टर में कितना है, गवर्नमेंट सेक्टर में कितना है, ये जानने के लिए कास्ट सेंसस ज़रूरी है। इनका ये भी कहना है कि अपने पॉलिटिकल फ्यूचर के बारे में बता रहे हैं कि जिधर सीएम इब्राहिम साहब जाएंगे वो उनके साथ जाएंगे। हिंद क्रॉनिकल, गुलबर्गा, जव्वाद मीर।